हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फेशियल और डिटेन दोनों साथ में कैसे करते हैं। ये मेरा डिटेन है, डिटेन और फेशियल किट। सबसे पहले हमारी क्लाइंट के लगा देंगे बैंड, उसके बाद करेंगे क्लींजर। पूरे फेस पे क्लींजर लगा देंगे, पानी की मदद से स्प्रेड करेंगे हल्के हाथों से, मसाज देंगे। इससे जो डेड स्किन होती है वो निकल जाती है। क्लींजर को हम 2 से 3 मिनट करते हैं। दो से तीन मिनट हो गए हैं, क्लींजर को हम कर देंगे क्लीन। क्लींजर को क्लीन करने के बाद हम लगाएंगे डिटेन। ये डागा का डिटेन पैक है, प्रोफेशनल ब्रांड है। सप्ताह में एक बार तो डिटेन करना ही चाहिए, क्योंकि डिटेन से जो सन टैनिंग होती है वह दूर हो जाती है। डिटेन को हम 15 मिनट तक रखते हैं, उसके बाद क्लीन करते हैं। ये फेशियल एंड नेचर्स का डायमंड फेशियल किट। सबसे पहले करेंगे क्लींजर। इसका जो क्लींजर है वह क्लींजर और स्क्रब दोनों है। इस क्लींजर के अंदर दाने दाने हैं। पानी की मदद से टेप टेप करेंगे और पूरे फेस पे फैलाएंगे इसको। स्क्रब में लाइट हैंड ही चलाएंगे, हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी है। स्क्रब को हमें 5 से 6 मिनट तक करना है, उसके बाद स्क्रब को क्लीन कर देना है। पाँच से छः मिनट हो गए हैं, स्क्रब को कर देंगे अच्छे से क्लीन। ध्यान रहे दाने नहीं रहने चाहिए। इसके बाद करेंगे ब्लैकेट्स रिमूव। आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ ब्लैकेट्स, देखना ब्लैकेट्स को। वाइट और ब्लैक दोनों हैं इनके। बात करेंगे क्रीम, नरिश क्रीम। क्रीम को डेप डेप करके पूरे फेस पे लगाएंगे, उसके बाद पानी की मदद से स्प्रेड करेंगे और हल्के हल्के हैंड्स चलाएंगे। क्रीम पूरे फेस पे लग गई है,
इसके बाद हम प्रेशर पॉइंट देंगे। प्रेशर पॉइंट हमें अच्छे से देना है ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो सके। क्रीम को क्लीन नहीं करते हैं, इसको स्किन के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। क्रीम को ऑब्जर्व होने में 10 से 15 मिनट तो लगते ही है, उसके बाद क्रीम ऑब्जर्व हो जाती है। क्रीम हमारी ऑब्जर्व हो चुकी है, इसके बाद फेस पे स्टीम देंगे। पूरी फेस पे टेप टेप करेंगे ताकि ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़े। इसके बाद है पॉलिश पैक। पॉलिश पैक को लगा देंगे, 10 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद पानी की मदद से डेप डेप करते हुए इसको पूरे फेस पे फैलाएंगे और हल्के हल्के हैंड्स चलाएंगे। अच्छे से फैला के हल्के हल्के हैंड्स चला के इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। अब इसको क्लीन कर देंगे। इसके बाद है पॉलिश क्रीम। पहले नरिश क्रीम थी, अब पॉलिश क्रीम है। पॉलिश क्रीम को भी हम स्किन में ऑब्जर्व ही करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे। पूरे फेस पे लगा लेंगे, पानी की मदद से स्प्रेड करेंगे। प्रेशर पॉइंट देंगे। जो हमने नरिश क्रीम में दिया था सेम वही प्रोसेस इसके अंदर करना है। आप देख सकते हो इनका फेस कितना शाइन करने लग गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।